राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मौका है वारदात दिखाइए अमरनाथ जी के लिए। और दूसरा सवाल विकास से ये पूछिए कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, स्टेज पर क्लोज किया और फोरेंसिक के हिसाब से क्या क्या लूपहोल रहा है इसमें, क्योंकि अमरनाथ जी उसको बेहतर ढंग से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है राकेश, उसके बाद आप आइएगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है राकेश, मुझे देखकर बताइए आप कितने ट्वीट्स हो चुके हैं। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है दिशा सालियान पर न्यूज नेशन का खुलासा, हैशटैग एक्सपोज दिशा सालियान केस को देश का समर्थन। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है न्यूज नेशन का खुलासा, अब तक 85,000 लोगों ने ट्विटर हैंडल पर न्यूज नेशन के खुलासे से जुड़े हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। राकेश, इसका भी अपडेट दीजिए और वॉक थ्रू बताइए ताकि अमरनाथ मिश्रा जी एक्सप्लेन कर सके कहां कहां लैप्सेस हैं जो साफ दिखाई देते हैं हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। जितनी देर में आपने 85,000 बोला उतनी देर में 5,000 और बढ़ गए और अब 90,000 ट्वीट हो गए हैं। लगातार मेरी नजर इस पर है जो ट्रेंड कर रहा है। जो बड़ी बात आपने एक बात और कही दीपक जी, मुंबई पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की। मैं तो कह रहा हूँ मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, थोड़ी सी इंक्वायरी की थी, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी सुशांत केस में कि सिर्फ इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है मुंबई पुलिस ने। और अब जो चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है वो खुलासा इस बात की ओर साबित करता है कि मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, मुंबई पुलिस लोगों को बचाने में लगी है। बहुत कुछ ऐसा खेल हुआ था जो पर्दे के पीछे था, काला सच था। ये रिजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट है, 14वां फ्लोर। इस बाउंड्री वॉल से वो दीवार की दूरी आपको दिखाई दे रही है करीब 10 फीट, वहां से यहां शरीर आकर गिरता है, ये करीब 10 फीट है। और सोच कर घिन आ रही है, वाकई आपने ठीक कहा, कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। उसकी मंगेतर के साथ इतना कुछ हो गया, वो शांत बैठा है, उसे अब तक सामने आ जाना चाहिए था, उसे अपनी जान की बाजी अपने उस मंगेतर के लिए लगा देनी चाहिए थी जिसने उसके साथ 7 फेरों के सपने देखे थे, जिसने उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिसने अपनी जिंदगी का ताना बाना उसके साथ बुन लिया था, उसके लिए कम से कम उसे आ जाना चाहिए था। ठीक है, जिंदगी रिस्क पर लगती क्योंकि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जो बात कही जा रही है। विकास साहब फटाक से आ जाइए, विकास साहब आ जाइए। बड़ा खुलासा, सुशांत सलियन का रेप हुआ था, रेप के बाद शरीर को फेंक दिया गया, जो अब दावा किया चश्मदीद ने। आप सबसे पहले ये बताइए, चश्मदीद का एक एक खुलासा, फ्लैट की लोकेशन, दीवार की लोकेशन, लिफ्ट की लोकेशन, उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की लोकेशन, कैसे उसकी सारी बातें एक एक करके सच हैं सिलसिलेवार तरीके से, एक के बाद एक सारी चीजें मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ से गुजारिश करूंगा कि इस बिल्डिंग की सबसे पहले लॉबी दिखाएं, जिसका जिक्र हमारा चश्मदीद जो है हमारे चैनल पर कर रहा है कि किस तरीके से वो जब 9 से 9:30 के दरमियान यहाँ पर पहुंचा तो इसी लॉबी के में घुसते ही जो बाईं तरफ लिफ्ट है उसको पकड़कर वो 14वीं फ्लोर पर जाता है। फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला मेरे दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में वो फ्लैट था 1401 नंबर का। और जो आरिफ इधर आ जाइए, आरिफ इधर आ जाइए, और जो उसने कहा कि उसकी गाड़ी निकली थी और उसे बांद्रा भेज दिया गया था, वो भी लोकेशन बताइए, क्योंकि ये सारी कड़ियां साबित कर रही हैं कि जो जो उसने खुलासे किए हैं वो सारे सही हैं। मैं बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ, देखिए ये कैंपस है, ये इस गेट के उस पार से तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, ये कैंपस है जिसका जिक्र चश्मदीद कर रहा है। दरअसल इस लॉबी के पीछे से उसे कार में बिठाया गया और यही वो आउट गेट है जहाँ से वो निकलने का जिक्र कर रहा है। ये आउट गेट है, यहाँ से निकलकर जबरदस्ती उसे यहाँ से भगाया गया, एक टाटा इंडिगो कार बुक की गई, उसे इस आउट गेट से निकाल कर यहाँ से बांद्रा की तरफ रवाना कर दिया गया। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा था ये 9 बजे से लेके रात के 1-1.30 बजे के बीच में हो रहा था, और जो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा चश्मदीद हमारे चैनल पर बता रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट साबित हो रही हैं। सबसे पहले तो ये लॉबी से जैसे ही अंदर घुसते हैं, अभी लिफ्ट के बाद फ्लैट की लोकेशन, उसके बाद गाड़ी यहाँ जिस तरीके से उसकी निकलती है, बिल्कुल, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। एक और बात जो दीपक जी ने कही फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए जो अहम होगी, ये बाउंड्री वॉल से जो दीवार दिखाई दे रही है विकास, वो दीवार करीब 10 फीट, उसके बाद 10 फीट की ये दूरी जहां पर आकर उसकी बॉडी गिरती है। और आप ये देखिए जो बॉडी गिरी है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, आरिफ दिखाइए जरा, ये स्ट्रक्चर जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दरअसल यहां तक था, ये जो हिस्सा अगर टूटा है ये दिशा सलियन का शरीर गिरने के बाद ये हिस्सा टूटा है, तो 20 फीट दूर आकर विकास, बिल्कुल यही तो बात शक पैदा करती है कि ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है बल्कि बल प्रयोग किया गया है, उछाल कर फेंका गया है, और तभी तो इतना डिस्टेंस कवर होता है। इमारत वहां पर है, इमारत के कैंपस से बाउंड्री वॉल 10 फीट की दूरी पर है, और उसके बाद यहां पर मैं बता दूं घटना के दिन यहां पर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी इधर इसी पैसेज में, यहीं पर और यहीं पर और इत्तफाकन वो डेड बॉडी उछाल कर जो फेंकी जाती है वो वहां से यहाँ गिरती है इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर पर, और ये जो डैमेज हुआ है दरअसल उसी वजह से हुआ है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल था, मुंबई पुलिस ने जांच अपने पूरे लगन से नहीं
नहीं की है, लीपा पोती हुई है। मैं कह रहा हूँ जांच ही नहीं की है। राकेश एक चीज और, राकेश एक चीज और, सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट सुशांत का जी। मैं विकास से यह भी जानना चाहता हूँ कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्या सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल से भी पोस्टमार्टम हुआ है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें हैं विकास? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले ये कहा गया है मल्टीपल इंजरीज जो कि अलग अलग हिस्सों में पाई गई, कोहनी टूटी हुई थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हेड इंजरी थी, स्वाभाविक है इतने ऊंचाई से अगर कोई गिरता है तो सिर के बल चोट लग सकती है। इसके अलावा जो सबसे जो शक पैदा करने वाली चीज़ थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें कुछ घाव ऐसे जरूर थे जो कि मौत से पहले लगे हुए हो सकते हैं, ऐसा शक था। और जो इस बात को भी साबित करेंगे कि दुष्कर्म हुआ था, रेप हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए वैजिनल स्वाब उनका लिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया के सामने एक ऐसा सन्नाटा फैला दिया गया, ऐसी चुप्पी धारण कर ली गई जैसे ये मामूली सा खुदकुशी का मामला था, ओपन एंड शट। पर एक बात मुझे अभी याद आ गई दीपक जी, नारायण राणे हमारे मेरे साथ जुड़े हुए थे न्यूज नेशन पर, नारायण राणे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इन चोटों का जिक्र किया था, उनके पास दिशा सलेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि वो आगे एजेंसियों को देंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी नारायण राणे ने। हालांकि सुशांत को लेकर जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है वो दिशा सलियन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, लेकिन उन्होंने शक पैदा किया था।